नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान हेल्पलाइन के इस नए वीडियो में। तो किसान साथियों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि लहसुन फसल की खेती करने से, बुवाई से करने से पहले हमें कौन कौन से खाद का चयन करना चाहिए और कितनी मात्रा में हमें इस खाद का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी फसल अच्छी तरह से खड़ी रहे और शुरू से ही अच्छे स्वस्थ फसल रहे और अच्छा पैदावार हम ले सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और जानकारी प्राप्त करें। तो जैसा कि किसान साथियों, हमारे भारत में लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान भाई लहसुन की खेती करके अच्छा पैदावार लेकर अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि हमें जो खेत तैयार करने से पहले हमें कौन कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई को जानकारी नहीं है और जानकारी का अभाव होने से वो बहुत सारा खाद बाद में देते हैं जो कि वो अपनी फसल को सही लगता नहीं है और सही समय पर नहीं दे पाते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि खेत की एक हकाई के बाद या लास्ट हकाई से पहले हमें खेत तैयार करने में सबसे पहले हमें मुख्य खाद हमारा रहता है देसी खाद, गोबर की खाद जिसके पास उपलब्ध है वो देसी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हमें करना चाहिए। तो 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ हमें देसी खाद का लहसुन की तैयारी से पहले हमें देसी खाद अच्छा हकाई जुताई कर अपने खेत में मिला देना चाहिए। और बाकी आगे बात करें रासायनिक खाद की, तो रासायनिक खाद में हमें सिंगल सुपर फास्फेट राकोड़िया का यूज़ करना चाहिए, जो 2 से 3 कट्टे प्रति एकड़ राकोड़िया हमें डालना चाहिए जो हमारी ज़मीन को भुरभुरी बनाए रखता है। साथ में आगे एनपीके का यूज़ करना चाहिए, 1 कट्टा एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम जिसमें आपको मिलता है, तो एनपीके डाल सकते हैं। और एनपीके नहीं तो डीएपी डाल रहे हैं, तो डीएपी 1 कट्टा डाल रहे हैं तो उसके साथ आप 25 केजी पोटास का यूज़ कर सकते हैं साथ में मिलाकर। और आगे आप 5 किलो जिंक और 5 किलो सल्फर का भी साथ में शुरू में ही आपको यूज़ करना चाहिए, 5-5 किलो जिंक और सल्फर। और साथ में कीटनाशक के लिए पिप्रोलिन, बायर कंपनी का पिप्रोलिन का यूज़ कर सकते हैं आप, जो 2 केजी आप इसके साथ मिलाकर पूरे सभी खाद को एक साथ मिलाकर आप अपने खेत में लास्ट हकाई से पहले यूज़ करना चाहिए ताकि ये सभी अपनी मिट्टी में मिल जाए तो एक अच्छा काम करता है। और इस यह सभी खाद का प्रयोग करके आपका लहसुन के खेत को तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको जो आपकी लहसुन की जो आपका खेत में लहसुन आप लगाएंगे तो कीटनाशक का भी कोई कीट वगैरह भी आपके जड़ वगैरह को ख़राब नहीं करेगा और एक अच्छा स्वस्थ पौधा आपका शुरू से 30 से 40 दिन तक खड़ा रहेगा और आपको अधिक बाद में अधिक खाद देने का भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार आप खाद का चयन करके आपकी लहसुन की खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक और करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और भी नई जानकारी किसानों के माध्यम से, किसान हेल्पलाइन के माध्यम से आपके लिए ऐसे लेते आएंगे। और किसान हेल्पलाइन लहसुन के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देगा। और हमारा एक प्ले स्टोर पर मोबाइल एप्लीकेशन किसान हेल्पलाइन है जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी शेयर करेंगे, वो भी आप डाउनलोड करें, जिससे हमारे कृषि एक्सपर्ट के द्वारा खेती किसानी की सारी जानकारी रोजाना आपको मंडी भाव और कृषि संबंधी सभी जानकारी, और एक्सपर्ट के द्वारा भी आपको जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप ले सकते हैं। जय जवान, जय किसान।